मूवी की स्टार्टिंग होती है अदिलाबाद के जंगल से, जहाँ पे गोंड नाम की एक कम्युनिटी रहती थी। यहाँ पे इनके बीच में कुछ ब्रिटिश के रूलर आते हैं, एंड ये वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर का इंडिया के ऊपर राज चलता था, और ये लोग उन्हीं में से होते हैं। यह एक छोटी बच्ची बहुत अच्छे से गाना गाती है, जो गाना एक ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को बहुत पसंद आता है, एंड देन वो थोड़े से पैसे दे करके उस बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ लेकर के जा रही होती है। ये देखकर उसकी माँ को बुरा लगता है और वो उसका पीछा करती है, और देन उन्हीं का एक गार्ड उस औरत को मारने वाला होता है। तभी वो जो ब्रिटिश का ऑफिसर होता है वो ये बोलता है बुलेट्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ऐसे इंडियन के ऊपर फायर करेंगे तो वेस्ट हो जाएगी। और इसके बाद उस लेडी को एक बहुत बड़ी लकड़ी से मार दिया जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। देन नेक्स्ट सीन में हम दिल्ली को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इन सभी प्रोटेस्टर के बीच में एक लड़का उठ करके पत्थर मारता है, जिस पत्थर से ब्रिटिश ऑफिसर का फोटो टूट जाता है। और इसके बाद वो ऑफिसर बोलता है इसी वक्त उस लड़के को पकड़ कर लेके आओ, और ये काम करता है राम। राम यहाँ पर इंडियन होता है, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश के अंडर में ऑफिसर होता है। वो बिना वक्त गवाए उस भीड़ में कूद जाता है और जैसे तैसे मार खाते हुए उस लड़के को पकड़ कर ले आता है, और ये सीन देखने में काफी अच्छा होता है। इसके बाद भी उसे बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज नहीं मिलता और उसे प्रमोशन भी नहीं दी जाती। जब बात मेडल देने की आती है तब ब्रिटिशर को ही मेडल दे दी जाती है, और किसी भी इंडियन ऑफिसर को मेडल नहीं मिलता। ये देखकर राम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो इतना मेहनत से काम करता है लेकिन फिर भी उसे कोई प्रमोशन नहीं दी जाती। और अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे एक आदमी को देखते हैं, जो कि नवाब के तरफ से आया होता है। वो बताता है कि जिस लड़की को वो लोग कुछ दिन पहले लेकर आए हैं वो गोंड कम्युनिटी की है, और वहाँ के लोग काफी ज्यादा एक साथ रहने वाले होते हैं, और अगर उनमें से कोई एक भी बिछड़ जाए तो वो उसे ढूंढते हुए कहीं भी जा सकते हैं। और इसीलिए इस वक्त जो गोंड कम्युनिटी के हेड है, जिसका नाम होता है भीम, वो उस बच्ची को लेने के लिए दिल्ली आ रहा है। इतना सुनने के बाद भी वो ब्रिटिशर उस आदमी की बात नहीं मानता और उस बच्ची को वापस नहीं करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे जंगल में भीम को देखते हैं, जो यहाँ पे खुद चारा बन करके बैठा हुआ था और भेड़िया का वेट कर रहा था, पर यह भेड़िए की जगह शेर आ जाता है। पर फिर भी भीम उसे हरा देता है और उसे जाल से बांध देता है, और एंड में उसे बेहोश करके कर लेता है। भीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो आमतौर पर काफी शांत रहता है, और इसीलिए भीम को पूरे मूवी में पानी से दिखाया गया है कि उसकी पावर पानी की तरह है, और दूसरी तरफ राम की पावर आग की तरह दिखाई गई है। यहाँ पे भीम दिल्ली तक पहुंच चुका होता है, और वहाँ पर वो एक मुस्लिम फैमिली के साथ एक मुस्लिम आदमी बन करके रह रहा होता है, और इस फैमिली को पता चल जाता है कि भीम यहाँ पे किसी को छुड़ाने आया है। उस फैमिली की बाइक को ठीक करने वाली एक गैरेज होती है, जहाँ एक दिन एक ब्रिटिशर आता है। वो बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाता और भीम उसकी बाइक को शुरू कर देता है। ये देख कर के उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी जीभ फंसने लगती है, और इस बात को लेकर के वो भीम को बेमतलब में ही बहुत पिटाई करता है। पर फिर भी भीम अपना गुस्सा शांत रखता है। दूसरी तरफ ब्रिटिशर को ये बात पता चल जाती है कि उस बच्चे को छुड़ाने के लिए एक शिकारी आ रहा है, इसीलिए वो बोलता है जो भी उस शिकारी को पकड़ के ले आएगा उसे प्रमोशन मिलेगी। और राम को इसी पल का इंतजार होता है। वो कहता है कि उसे जिंदा चाहिए या फिर मुर्दा। तो यहाँ पर उस ऑफिसर की वाइफ बोलती है कि अगर जिंदा लेके आओगे तो प्रमोशन मिलेगी, पर अगर मुर्दा लेकर आओगे तो पैसे मिलेंगे। और अब यहाँ से राम उस शिकारी के पीछे लग जाता है, पर उसे उस शिकारी की ना तो शक्ल पता थी ना ही उसका नाम। अपने एक सीन में हम यहाँ पे भीम को देखते हैं, जो कि उसी जगह के सामने खड़ा होता है जिस पैलेस के अंदर उस बच्ची को रखा गया था। यहाँ सामने वो देखता है जेनी को, जो कि दूसरों की कंपैरिजन में काफी ज्यादा हम्बल होती है और दूसरे ब्रिटिशर की तरह नहीं होती। वो यहाँ पर दूसरों का दुख दर्द समझती है और उनकी हेल्प करती है। भीम को समझ में आ जाता है कि अगर उसे अंदर जाना है तो जेनी उसे अंदर लेकर के जा सकती है। नेक्स्ट सीन में हम राम को देखते हैं, जो कि ऐसे ही किसी आजादी से रिलेटेड भाषण को सुनने के लिए आया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब वो इन लोगों के बीच में रहेगा तभी उसे शिकारी के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर वो बोलता है कि उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर को मार देना चाहिए। ये सुन करके वहाँ पर लच्छू उसके पास में आ जाता है, जो कि भीम का भाई होता है। वो कहता है कि अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर को मार सकता है तो फिर वो
उसे किसी से मिलवाना चाहता है और यहाँ से वो उसे भीम से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, पर यहाँ पर पुलिस उन्हें रास्ते पर ही रोक लेती है। तो राम चुपके से उसे अपना पैस दिखाता है और उसे आगे जाने के लिए बोलता है। यहाँ वो ऑफिसर गलती से राम को सैल्यूट कर देता है और ये देख करके लच्छू समझ जाता है कि वो भी ब्रिटिशर के साथ मिला हुआ है और इसके बाद लच्छू वहाँ से भाग जाता है और राम उसका पीछा करता है, पर लच्छू जैसे तैसे करके वहाँ से बच करके निकल जाता है। अब यहाँ पर राम जिस पुल के ऊपर खड़ा होता है उस पुल के नीचे नदी के पास में ही भीम होता है। यहाँ पुल के नीचे से एक तेल का टैंकर जा रहा होता है जिसमें से तेल लीक होने की वजह से वो अपनी पटरी पर से उतर जाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे पानी में एक बच्चा होता है जिसके चारों तरफ अब आग लगी होती है। यहाँ पर राम भीम को देखता है और भीम राम को देखता है। राम उसे इशारों में कुछ कहता है जो कि भीम समझ भी जाता है, जबकि आज तक वो कभी भी राम से नहीं मिला होता। और उसके बाद राम और भीम बाइक और घोड़े और रस्सी के हेल्प से बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक तरीके से उस बच्चे को बचा लेते हैं और यहाँ से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर एक ही गाने में इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को भाई की तरह मानने लगते हैं। दूसरी तरफ राम यहाँ पर लच्छू का स्केच बना करके हर किसी को लच्छू के बारे में पूछ रहा होता है, पर उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चलता और अभी तक भीम ने भी राम के पास उस स्केच को नहीं देखा होता है। ऐसे ही राम और भीम एक बाइक से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर भीम जेनी को देखता है। राम समझ जाता है कि भीम को जेनी से बात करनी है, तो वो उसकी कार के सामने जाकर के कुछ किले डाल देता है और जैसे ही जेनी अपने कार को लेकर के उसके ऊपर से गुजरती है उसका टायर पंक्चर हो जाता है। अब राम यहाँ पर इंग्लिश में जेनी को कहता है कि अगर वो चाहे तो भीम उसे अपने बाइक पर ड्रॉप कर देगा। इसके बाद भीम जेनी को लेकर के मार्केट जाता है जहाँ जेनी बाद में उसे कार देती है और उसे अपने घर में पार्टी के लिए इनवाइट करती है। भीम और राम यहाँ पर उस पार्टी में शूटेड बूटेड होकर के पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जेनी भीम को लेकर के जाती है चाय पिलाने के लिए, जहाँ पर खाना खाने के बहाने भीम इधर उधर उस बच्ची को ढूंढता है और अब उसे फाइनली वो बच्ची दिख जाती है जो इसी वक्त उसके साथ जाना चाहती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उन लोगों ने उसे एक जेल में बंद करके रखा था, लेकिन इस वक्त वो उसे वहां से नहीं छुड़ा सकता तो वो बच करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ राम को भी ढूंढते फाइनली लच्छू मिल जाता है और उसे वो पकड़ करके बहुत मारता है। मारने के बाद जब राम थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो लच्छू वहां पे एक सांप को पकड़ लेता है और राम जैसे ही अंदर आता है तो वो उसके ऊपर सांप को छोड़ देता है और सांप उसे काट लेता है। अब एक घंटे में ही वो मरने वाला होता है। देन वो लच्छू को छोड़ देता है। लच्छू के पास से वो एक धागा देखता है जो लच्छू ने पहन करके रखा होता है। राम यहाँ अधमरी हालात में भीम के पास जाता है और भीम जल्दी से उसे जड़ी बूटी बना के पिला देता है, जिसके वजह से राम की हालत सुधरने लगती है। देन वो उसी धागे को भीम के पास भी देखता है जो कि उसने लच्छू के पास देखा था। देन वो समझ जाता है कि भीम ही लच्छू का भाई है और भीम ही वो शिकारी है। यहाँ राम की हालत खराब होती है तो भीम उसे उसके घर पे छोड़ करके निकल जाता है उस बच्ची को बचाने के लिए, क्योंकि आज उस पैलेस में बहुत बड़ा फंक्शन है जिसके वजह से वो आज अंदर जा सकते हैं। भीम एक चक्ट में बहुत सारे जानवरों को लेकर के चला जाता है और सारे जानवर छोड़ देता है। सारे जानवर यहाँ ब्रिटिशर के ऊपर ही अटैक करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है और तो बच्चों और भीम की टीम पर अटैक नहीं करना था और ये बात भी काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक और इलॉजिकल था। एनीवे अब यहाँ पे भीम उस बच्ची के पास पहुंच गया होता है तभी वह पीछे से राम आता है जो कि अब काफी हद तक ठीक हो गया था। यहाँ राम और भीम के बीच काफी लंबी फाइट होती है जिसके एंड में उस बच्ची को गन पॉइंट पे ले लिया जाता है। अब भीम के पास और कोई तरीका नहीं होता है तो वो सरेंडर कर देता है। भीम पकड़ा जाता है और उसके बाकी साथी भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है राम की तरफ जहाँ उसे फाइनली प्रमोशन मिल चुका होता है और अब वो उस जगह का इंचार्ज बन गया था जहाँ पर सारे रखे जाते हैं और एग्जैक्टली वो यही चाहता था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि राम के पिता पहले ब्रिटिश के अंडर ही काम करते थे और वो भी एक सोल्जर थे, बट एक दिन वो देखते हैं वही ब्रिटिश ऑफिसर जो कि आज यहाँ पे दिल्ली में बैठा हुआ है उस वक्त वो उनके बैटालियन के हेड होते हैं और दैट टाइम वो एक विलेज के सरपंच को जानबूझ के मार डालते हैं। ये देख करके राम के पिता को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ अपनी जॉब छोड़ करके चले जाते हैं और इसके बाद वो एक
विलेज में जाके एक सेना बनाने लगते हैं। उनके पास गन नहीं होता तो इसके लिए वो लकड़ी के ही गन के ऊपर ही हर किसी को प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन एक दिन राम छुपके से उनका गन उठा लेता है और प्रैक्टिस करता है। राम का निशाना बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत दूर से ही सही निशाना लगा सकता था। ये देख करके उसके पिता काफी खुश होते हैं। तभी वहां पर एक बहुत बड़े ब्रिटिश ऑफिसर अटैक कर देते हैं। राम के पिता अपने पूरे विलेज वालों को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं। सब लोग भाग जाते हैं और जो लास्ट गोली उन्हें लगती है वो राम ने ही उन्हें मारी होती है, क्योंकि राम के पिता ने अपने पूरे बॉडी पे बम को लगा लिया था और वो जानबूझकर ही ब्रिटिशर के सामने चले गए थे ताकि पीछे से राम उन्हें शूट कर दे और वो बम वहीं पर ही फट जाए, क्योंकि उनके पास अब एक ही बुलेट बची होती। राम ऐसा करता है और दिन सारे विलेजर्स से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पे सभी लोगों को वेपन दिला के रहेगा ताकि वो लोग ब्रिटिशर का सामना कर सके। इसी इरादे से वो दिल्ली आया था और इतने वक्त से वो ब्रिटिशर के अंडर काम कर रहा होता है और इसी दिन का वेट कर रहा होता है। जब वो ऐसे ही किसी जगह का इंचार्ज बन जाएगा और ब्रिटिशर के सभी वेपन अपने विलेजर्स को दे सके और फाइनली वो सक्सेसफुल हो चुका था। तेन सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट टाइम पर आता है जहां भीम को कोड़े पड़ने वाले थे और ये कोड़े मारने वाला राम होता है। राम को ये अच्छा नहीं लगता पर फिर भी ब्रिटिश ऑफिसर का ये इंस्ट्रक्शन था कि जब तक भीम अपना घुटना ना ठेक दे तब तक उसे कोड़े मारा जाए। राम कोशिश करता है कि वो चेन को खींच करके भीम के लेग को नीचे कर दे पर भीम का हौसला इतना ज्यादा था कि वो इतने सारे कोड़े खाने के बाद भी नीचे नहीं झुकता है। इनफैक्ट वो एक गाना गाता है जिसके बाद वह भी आम जनता होती है उनके अंदर हौसला बढ़ जाता है और वो लोग भीम को बचाने की कोशिश करते हैं। भीम को पकड़ कर दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है और अब फाइनली राम को गिल्ट फील होता है। वो इस बात को लेटर में लिख कर अपनी जीएफ सीता को बताता है जो कि वही उसके कबीले में ही होती है और उसका इंतजार कर रही होती है। सीता को ये लेटर मिल जाता है और वो इसे पढ़कर परेशान हो जाती है। इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल उतना ही है जितना कि लेस के पैकेट में चिप्स। अब क्योंकि भीम कोड़े खाने के बाद भी झुका नहीं होता है तो ऑफिसर ऑर्डर कर देता है कि उसे फांसी देने के लिए। अब फाइनली यह राम को भीम को बचाने का मन होता है क्योंकि उसने देख लिया था गन ना होते हुए भी भीम के गाने में ही इतना असर था कि सारे जनता में वहां पे जोश आ गया था। इसीलिए वो ब्रिटिश ऑफिसर से बोल देता है कि भीम को नदी के किनारे ही फांसी देनी चाहिए, वो भी उसी बच्ची के सामने जिसे बचाने के लिए वो यहाँ पे आया था, और उसे मारने के बाद नदी में ही बहा देना होगा। उस ऑफिसर को भी ये प्लान बिल्कुल सही लगता है। दिन राम रात में जा करके हर बंदूक में से गोलियां निकाल देता है ताकि सभी ऑफिसर के पास बंदूकें तो हो लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं होंगी। अगली सुबह राम जब अपनी कार में उस बच्ची को लेकर के जा रहा होता है तब पीछे से कार में वही ऑफिसर भी आ रहा होता है जिसे राम के ऊपर डाउट हो जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर ये भी नोटिस कर लेता है राम ने जानबूझकर एक ट्री को काफी हद तक काट लिया था। अब राम जैसे ही उस ट्री के आगे निकलता है वो उस ट्री को गिरा देता है पर वो ऑफिसर बच जाता है और देन यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। राम यहाँ पर हर किसी को मार करके उस बच्ची को भागने देता है। दूसरी तरफ उसे भीम के पास में अपने ही एक दोस्त के हेल्प से ब्लेड भेज दी थी जिसके वजह से वो अपनी रस्सी को काट देता है और फाइट करने लगता है। देन राम को बीट करके उस बच्ची को लेकर के भाग जाता है। भीम को ये नहीं पता होती कि उसे छुड़ाने वाला राम ही है, उसे तो राम के ऊपर गुस्सा आ रहा था। अब सीन यहीं पर कट होती है और नेक्स्ट सीन में हम राम को थे। काफी महीने बीत गए होते हैं जिसकी वजह से उसके दाढ़ी भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो भी उसी जेल में है जहाँ पर कभी भीम था। यहाँ पर राम लगातार प्रैक्टिस करके खुद को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। दूसरी तरफ भीम भागते भागते हसरस तक पहुँच जाता है। वो एक दिन सराय में बैठा हुआ होता है कि तभी ब्रिटिशर उसके हर तरफ तलाश कर रहे होते हैं और पता नहीं कहाँ से उन्हें भीम की एक फोटो भी मिल गई होती है। ऐसे ही वो ढूंढते ढूंढते उसी सराय में आ जाते हैं जहाँ पर उस टाइम सीता होती है। सीता यहाँ पर राम से मिलने के लिए जा रही होती है पर यहाँ पर वो ब्रिटिशर को ये बोल देती है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हें छुआछूत की बीमारी है। ये सुनकर सारे ऑफिसर भाग जाते हैं और वो भीम को बचा लेती है, इसीलिए भीम उसे थैंक यू बोलता है। बाद में उसे ये पता चलता है कि वो यहाँ पर राम से मिलने के लिए जा रही है। देन सीता राम की कहानी भीम को बताती है। राम का रियल प्लान आजादी है, ये सुनकर भीम को बहुत पछतावा होता है और वो समझ जाता है कि आज वो राम की वजह से जिंदा है। देन भीम दोबारा दिल्ली जाता है और जेनी से मिलता है। जेनी उसे उस महल का मैप दे देती है जिसकी हेल्प से वो जा करके राम को छुड़ा लेता है। राम और भीम वहाँ पर फाइट करके वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से निकल कर जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में राम श्री राम का गेटअप ले लेता है। देन वो यहाँ पर धनुष से हर किसी को मारना स्टार्ट कर देता है। देन फाइनल सीन में राम अपने घोड़े पर और भीम
वहीं में एक बाइक पे बैठकर उस ब्रिटिश ऑफिसर के तरफ जाते हैं, जहां पर जाकर उन्हें सभी गन छुड़ानी होती है। यहां पर भी अमेजिंग फाइट सीन होता है, जिसके एंड में उसे ब्रिटिशर की वाइफ की डेथ हो जाती है और भीम उस ब्रिटिश ऑफिसर को भी मार देता है। और देन राम और भीम एक ट्रक में सारी गन लेकर के निकल जाते हैं और फाइनल सीन में फाइनली राम सीता से मिल जाते हैं और भीम के साथ भी उसकी फ्रेंडशिप पहले जैसी ही हो जाती है एंड ये मूवी बड़ी एंड हो जाती है। पर्सनली मूवी अमेजिंग थी, बट मूवी को देखते टाइम आपको फिजिक्स और लॉजिक को कहीं जगह साइड में ही रखनी पड़ेगी। एनीवे, आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।